हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड ऑल। आज हम मॉस्फेट चेक करके देखेंगे कि मॉस्फेट कैसे चेक होता है। और ये मेरे पास तीन मॉस्फेट हैं सेम नंबर के, तो इनको चेक करके देखेंगे कि इनमें से कौन सा मॉस्फेट ख़राब है और इनको चेक कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम ललित कुमार है और आप देख रहे हैं इनसाइड ऑल। ये देखिए, जो तीन ट्रांजिस्टर हैं ये सेम ही नंबर के हैं, 07N65, ये इनका नंबर है मॉस्फेट का। तो इनको हम तीनों को चेक करेंगे, इनमें से कौन सा मॉस्फेट ख़राब है और कौन सा ठीक है। तो इसके लिए हमें एक मल्टीमीटर चाहिए होगा। मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी की रेंज के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। और चेक करने के लिए हमें ये मीटर की दो प्रॉब जो है इनको पहले देख लेना है कि ये 00 शो कर रही है, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तो जैसे कि आपको मैंने बता दिया, इसका नंबर 07N65। तो इसका जो फर्स्ट टर्मिनल है वो गेट है, सेकंड टर्मिनल जो है वो ड्रेन है, और लास्ट वाला जो है वो सोर्स है, गेट ड्रेन एंड सोर्स, GDS। ठीक है, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। और ये जो मॉस्फेट का जो आपको मैंने नंबर यहाँ पे बताया कि ये 07N65 मॉस्फेट है, और ये जो मॉस्फेट है ये एन चैनल मॉस्फेट है, और ये एनहांसमेंट टाइप का मॉस्फेट है, एन चैनल एनहांसमेंट टाइप। तो ये जो मॉस्फेट है इसको चेक करने का बहुत सिंपल तरीका है कि जिसका जो ड्रेन है इसके ऊपर हमने ये जो प्रॉब रखनी है। पहले हम देखते हैं जो ख़राब है इनमें से, उसको चेक करते हैं ख़राब जो मॉस्फेट होगा उसकी रेंज कैसे आएगी। जैसे अगर आप ख़राब मॉस्फेट को चेक करोगे तो ऐसे आपको बीप की साउंड सुनाई देगी तीनों टर्मिनल के ऊपर, जैसे यहाँ पे आ रही है। जब आप इंटरचेंज भी कर लोगे तब भी बीप की ही साउंड आएगी। बीप की जब भी साउंड आए तो इसका मतलब कि ये शॉर्ट हो चुका है, ये ख़राब है। अब देखते हैं नेक्स्ट मॉस्फेट। इसको चेक करने के लिए अगर मैंने आपको बताया ये एन चैनल है, तो हमको सेंटर ड्रेन जो इसका है उसके ऊपर हमें नेगेटिव प्रॉब अपनी रखनी होगी। नेगेटिव वाली प्रॉब रखने के बाद आपने जस्ट ऐसे इसको चेक करना है, पॉजिटिव इसके सोर्स के ऊपर टच करनी है। जैसे ही हम सोर्स के ऊपर टच करेंगे तो यहाँ पे एक रीडिंग शो करेगी, जैसे यहाँ पे 385 ओम शो कर रहा है। उसके बाद हमने इसको इसके गेट वाले टर्मिनल के ऊपर जस्ट ऐसे टच करना है। टच करने के बाद नेक्स्ट इसको फिर दोबारा सोर्स के ऊपर देखना है। जैसे हम इसको गेट के ऊपर टच करेंगे और देन सोर्स के ऊपर लगाएंगे तो यहाँ पे रीडिंग चेंज आनी चाहिए, सेम रीडिंग नहीं आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे सेम आ रही है, तो ये भी कंडीशन होती है, आपको यहाँ पता चला होगा कि बीप की साउंड नहीं आई लेकिन सोर्स के ऊपर टच करते वक्त इसकी रीडिंग जो है वो चेंज नहीं हो रही। ये देखिए सेम ही आ रही है, तो इट मीन्स कि ये भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, ये पार्शली ख़राब है, आधा ख़राब है ये, आधा ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, इसको चेक करते हैं। सेम मैंने इसको एन चैनल है ये भी, इसको भी हमने सेंटर के ऊपर रखना है प्रॉप को और देखना है। जैसे मैंने इसके सोर्स के ऊपर टर्मिनल लगाया 385 ओम रेजिस्टेंस शो कर गई, और मैं जैसे इसके गेट टर्मिनल के ऊपर टच करूंगा और अगेन इसके सोर्स के ऊपर लगाऊंगा तो यहाँ पे बीप साउंड आएगा और कुछ रीडिंग शो करेगा, जैसे यहाँ पे 54 ओम शो कर रहा है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे लगाने के बाद जब मैंने यहाँ पे लगाई तो रीडिंग चेंज हो गई, अब यहाँ पे 54 ओम ही रहेगी। हम इसको अब शॉर्ट करेंगे अपने फिंगर्स के साथ, आप चाहे तो कोई मेटेलिक पीस से भी शॉर्ट कर सकते हो। अब हम इसको दोबारा चेक करेंगे तो ये रीसेट हो चुका है, ये देखिए अब इसमें फिर अगेन 384 ओम रेजिस्टेंस शो कर रहा है। और जैसे मैं यहाँ पे गेट के ऊपर टच करूँगा इसके और देन सोर्स के ऊपर लगाऊंगा तो ये फिर चेंज हो जाएगी रीडिंग, फिर 53-54 ओम शो कर रहा है। तो अगेन शॉर्ट करके आपको मैं फिर चेक करवाता हूँ, ये है इसका प्रॉपर वे चेक करने का। अगर ये ऐसे बिहेव नहीं कर रहा तो भी ये ख़राब है। तो ये था एक आसान तरीका किसी भी मॉस्फेट को चेक करने का। और ये जो है मॉस्फेट ये पार्शली बर्न है, ये पूरी तरह से देखने में तो ठीक लग रहा है, रीडिंग भी ठीक आ रही है लेकिन ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। ये जो मॉस्फेट था ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, ये बर्न हो चुका है, ये शॉर्ट है, तो इसमें जो है बीप की साउंड आ रही है। तो ये था एक आसान सा तरीका मॉस्फेट चेक करने का। अगर आपको कोई और क्वेश्चन, कोई क्वेरी है इसके बारे में तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो।
और चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर दो, आपको ऐसी ही फ्यूचर में वीडियो मिलती रहेंगी। मैं आगे फ्यूचर में ऐसे मॉस्फेट और ट्रांजिस्टर की सारी सीरीज लेके आ रहा हूँ, आपको ऐसी ही वीडियो आगे मिलती रहेंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।